हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं टिश्यूज़ होते हैं जिन तक बहुत सी चीज़ें पहुँचानी होती हैं जैसे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स वगैरह और उनसे बहुत सी चीज़ें ले जानी होती हैं जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड तो इन सब को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड अब देखिए ब्लड इतना सारा काम करता है बॉडी के लिए पूरी बॉडी को ज़रूरत है इसकी तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके ये काम हमारा हार्ट करता है कुछ ट्यूब्स चाहिए होंगे जो उस ब्लड को अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचा सकें तो वो ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स और ये सारी चीजें मिलके पूरा सिस्टम बनाती हैं जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले ब्लड का फ्लो समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाएंगी उन्हें बोलेंगे आर्टरी आर्टरी हार्ट से ब्लड सेल्स तक ले जाती हैं और यहाँ से ये आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं इनटू वेरी फाइन थिन वॉल्ड कैपिलरीज ये कैपिलरीज इसलिए थिन होती हैं ताकि फूड और ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके वहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो ब्लड को दे दी जाती है और फिर ये ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएंगी जब ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वेन चलिए अब देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है सबसे पहली बात ह्यूमन हार्ट में फोर चैम्बर्स होते हैं ऊपर वाले चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल ओके तो ये रहा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल राइट साइड यूजली इम्प्योर ब्लड को हैंडल करता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो बेसिकली प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है तो देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा ये अगर आपको आ गया तो 90% परसेंट सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाए ऑल राइट right? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पलमनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा वहां से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जहां से इसको पंप कर दिया जाएगा आयोटा के थ्रू पूरी बॉडी में आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी होती है क्योंकि भाई सारी बॉडी के लिए ब्लड लेके जा रही है राइट right? यहां बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन सेल्स को दे देगा सेल्स रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देंगे अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यह हम कह है सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड बॉडी से आएगा वेना कावा लार्जेस्ट वेन के थ्रू और एंटर करेगा राइट right एट्रियम में यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा जहां से फिर यह ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ लंग्स में ये आर्टरीज और ज्यादा थिन फं कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जहां एल्विलाई में गैशियस एक्सचेंज होगा यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू तो देखिए पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड तो हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड तो पल्मोनरी आर्टरी और हार्ट में लंग से आ रहा है ब्लड तो पल्मनरी वेन और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है अब इसी सर्कुलेशन को जो हमारी बॉडी में होता है उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स तो देखिए क्या है एक तो हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है और वहां से वापस हार्ट तक आ रहा है और दूसरा हार्ट से ब्लड गया लंग्स तक और लंग्स से वापस हार्ट में आया इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन तो ह्यूमंस में एक साइकिल में ब्लड हार्ट से दो बार होके गुजरा है इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन ठीक डबल सर्कुलेशन समझ आ गया अब ये बताइए क्या सिंगल सर्कुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है होती है सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है फिशेज में जहां टू चैम्बर्ड हार्ट होता है यानी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल तो इनमें ब्लड एक साइकिल में एक बार ही हार्ट से होके गुजरता है इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में तो याद रखिएगा अब ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है घबराने की कोई बात नहीं है जितना हमने समझ लिया है वही सब है साथ में रिवाइज करते हैं देखिए ये रहा हार्ट फोर चैंबर्स राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल लेफ्ट एट्रियम लेफेंट्रिकल यहाँ हार्ट के अंदर वॉल्स है जो इंश्योर करती है कि ब्लड जिस चैम्बर से आ रहा है उसमें वापस न चला जाए एक वॉल होती है जो राइट right और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड कर उसको बोलते हैं सेप्टम अब डिऑक्सीजनेटेड इम्प्योर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा लार्जेस्ट वेन बिना काबा के थ्रू हार्ट के राइट right एट्रियम के अंदर वहां से ब्लड जाएगा राइट right वेंट्रिकल में राइट right वेंट्रिकल से बाहर जाएगा पलनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा पलनरी वेन के थ्रू एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके आयोटा लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड होगा क्लियर बहुत बढ़िया अब जिससे बच्चे यूजुअली डरते हैं वो पोर्शन तो हो गया थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में बहुत ही इजी है इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हैंडल कर लेंगे राइट तो देखिए ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मीडियम के अंदर सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं जो फ्लूड मीडियम है उसे बोलते हैं प्लाज्मा प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजनस वेस्ट को रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो किसी इंजरी के केस में ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो तो प्रीवियस ईयरस में ये क्वेश्चन पूछे हैं कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट फूड कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है कौन सा कंपोनेंट ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ओके okay. अब लास्ट टॉपिक है काफ़ी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है लिम्फ क्या है लिम्फ ये भी ब्लड की तरह एक टाइप का फ्लूड होता है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है अब जैसे ब्लड के लिए पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है वैसे ही लिम्फ के लिए लिम्फैटिक सिस्टम होता है ब्लड और लिम्फ में फ़र्क ये है कि लिम्फ कलरलेस होता है और इसमें ब्लड के कम्पेरिजन में प्रोटीन कम होता है लिम्फ का का काम है कि ये फैट को कैरी करता है अगर ब्लड से एक्सेस फ्लूड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ गया होता है तो लिम्फ उसे वापस ब्लड में भेज देता है और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में भी लिम्फैटिक सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है